हेलो भाई, तो कैसे हैं सब? मुझे लगता है सब ठीक ही होंगे। तो जो आज हम बात करेंगे वो काफ़ी एक बड़ी बात जो इंडिया में अब होने जा रही है, जो काफ़ी लोगों को लगता भी था कि यार ये क्या हो गया है। तो हम सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो बात आती है वो मारुति सुजुकी की जो ब्रेकिंग न्यूज़, आप इसे कह सकते हैं न्यू न्यूज़ जो आई है, वो इसके लिए आई है कि मारुति सुजुकी अब अपने डीजल इंजन जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाली है। ये मुझे लगता है न्यूज़ आपने कहीं थोड़ी बहुत सुनी होगी कि मारुति लाएगा लाएगा, लेकिन अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो है कि जो मारुति के डीजल इंजन है वो आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो मारुति सुजुकी की मैसूर से बात करता हूँ, तो पहले जो डीजल इंजन आते थे वो मारुति सुजुकी ने बंद कर दिया थे, लेकिन अब फिर से ये इसलिए मारुति इसलिए ये जो डीजल इंजन इसलिए ला रही है क्योंकि देखिए प्राइस, जो डीजल और जो पेट्रोल के प्राइस है वो आपने देखा होगा कि काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए पेट्रोल तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो बड़ी गाड़ी लेते थे उनसे माइलेज इतनी अच्छी नहीं निकाल पाते थे। तो अब डीजल लाकर कंपनी काफ़ी मतलब ऐसा करना चाह रही है कि अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो इनके पास है और डीजल के साथ जो अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छी इकोनॉमी देना चाहते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी माइलेज उनके लिए निकल के आए और ज़्यादा जो उनकी टेंशन है पेट्रोल और डीजल के प्राइस के लिए ये कम हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो मारुति सुजुकी की थी कि ये देखिए अब अपनी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे इनकी मारुति एक्सेल 6 7 सीटर, या जो आप कैप्टन सीट में भी इनकी पहली जो बेस्ट इन सेगमेंट कहा जाती है वो है, जिसमें कैप्टन सीट आपको देखने में मिलती है, और अर्टिगा भी है उसमें, और उसमें एस क्रॉस, विटारा, ब्रेजा, सियाज, ये गाड़ी आपको देखने में मिल सकती है डीजल में। तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, ये गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ऐसी बात है कि ये जो डीजल इंजन वो BS6 में आएंगे, तो काफ़ी मतलब कहा जा रहा है कि BS6 में इतने इंजन ये काफ़ी अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ बड़ी बात तो नहीं है BS6 में डीजल इंजन के लिए। तो देखिए, सब ये बात तो ये काफ़ी अच्छी है कि डीजल इंजन ला रहे, लोगों को पावर चाहते थे कि पावर हमें मारुति की गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी मिले। तो अगर ये डीजल इंजन कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी तो कस्टमर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप भी मारुति सुजुकी के डीजल इंजन का वेट करते थे कि वो आएंगे तो हम उसे लेंगे। तो ये जल्द ही होने वाला है, और उनकी बड़ी गाड़ियों में अभी तक कहा जा रहा है, बाकी जो स्विफ्ट वगैरह है, बलेनो वगैरह है, इनमें तो शायद देखना पड़ेगा कि इनमें आता है ये डीजल इंजन या नहीं। बाकी देखिए, और जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें तो ये पूरी तरह से लग रहा है कि अब आ ही जाएंगे, जिससे आपको देखिए अब जो गाड़ियों के जो पावर डीजल वगैरह भराते हैं, जो पेट्रोल वगैरह, तो उसके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्राइस 100 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। तो इसके लिए कंपनी, मुझे लगता है ये चीज़ें अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, टोयोटा के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा एक इंजन मतलब हाइब्रिड के साथ बनाकर मिलाएगी। तो देखिए, ये बात ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मारुति सुजुकी अब अपने नए डीजल इंजन लाने जा रही है। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है या आप लेना चाहेंगे उसको, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो यही था वीडियो में, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।